हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2020 के अचीव आईएएस से जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आए हैं सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा पहला है अनसेफ ट्रांसफ्यूशन। ये आर्टिकल यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बेहद ज़रूरी है। इसमें बात हो रही है कि आज हमारे देश में सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन का चैलेंज हेल्थ केयर सेक्टर में अभी भी मौजूद है। 1996 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार को कहा था कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन लाओ जिसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कलेक्शन को रेगुलेट किया जा सके और ब्लड बैंक्स का ऑपरेशन भी रेगुलेट किया जा सके। परिणाम स्वरूप नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल एस्टेब्लिश किया गया, साथ में नेशनल ब्लड पॉलिसी भी लाई गई। ब्लड ट्रांसफ्यूशन सर्विसेज स्टिल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंदर रेगुलेट होते हैं। इसके अमेंडमेंट्स भी आते रहे इस एक्ट के। तो कहने का मतलब ब्लड एक तरीके का ड्रग है, ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट में चूंकि इसको जोड़ा गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, क्योंकि पीआईएल गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि किसी ना किसी तरीके से ब्लड बैंक्स और ब्लड स्टोरेज सिस्टम को रेगुलेट करवाइए। ऐसा अभी क्यों हुआ? एक केस सामने आया जब ब्लड बैंक्स बहुत ही इनकंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट और ब्लड जो है ट्रांसफ्यूशन करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस स्थिति की ग्रेविटी जब आप इस केस से पता लगा सकते हो, जब एक जगह पे ब्लड बैंक ने 85 साल के बुजुर्ग को एचसीवी पॉजिटिव ब्लड दे दिया और उस ब्लड में हेपेटाइटिस सी वायरस था। तब से काफ़ी ज़्यादा चेकिंग ब्लड बैंक्स में हो रही है कि आखिर इनकी क्वालिटी में ये करते क्या हैं और इनके जो प्राइसिंग के जो इश्यूज़ हैं उन पे भी सवाल उठने लगे हैं। इस पिटीशन ने कहा है, क्लेम किया है कि आज इंडिया में जो रजिस्टर्ड और जो लाइसेंस्ड ब्लड बैंक्स हैं वो काफ़ी लो हैं, बहुत कम हैं। मतलब आप देखोगे 10 लाख पे 3 ब्लड बैंक मिलेंगे लाइसेंस्ड, 10 लाख लोगों पे। आइडियली ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास ब्लड बैंक होना ही चाहिए, लेकिन नेटवर्क बढ़ाने से कुछ भी नहीं होता, स्टोरेज सेंटर्स बढ़ाने से कुछ भी नहीं होते, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही, मैन पावर भी हो, एक्सपर्ट हो, स्किल्ड लोग हो। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो शॉर्टेज है वो हर तरीके से आप महसूस कर सकते हैं जब आप लेबोरेटरीज़ में हो, अस्पतालों में, ब्लड बैंक्स में जब आप जाएंगे। खास करके जो ट्रांसफ्यूशन होता है मेडिसिन का, उस फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें इनकी होती है। कोशिश ये की जाए कि एक सेपरेट मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जाए ब्लड ट्रांसफ्यूशन सर्विसेज के लिए और वो बॉडी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करे। स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द लाइसेंसिंग नॉर्म्स कैन हेल्प टू स्टेम द रॉट। लाइसेंसिंग नॉर्म्स के अगर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मदद हमको मिलेगी। और जिस तरीके से जिंदगियाँ दाव पे लगी हुई है, अनस्क्रपलस एलिमेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू ब्लीड पीपल ड्राई। इस तरीके से अगर काम होंगे जिनमें फर्जीवाड़े से अगर बैंक ब्लड बैंक खोले जाएंगे, क्वालिटी पे दिक्कत आएगी। एक वायरस वाला ब्लड किसी और हेल्थ इंसान में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, ट्रांसमिशन उसका किया जाएगा। तो इससे तो साफ साफ जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आ रहा है। और इसलिए ज़रूरी है कि एक रेगुलेशन लाया जाए। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें दे देता हूँ। हमारे देश में ब्लड बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी शूज़ हैं। हमारे देश में प्रोफेशनल डोनर्स भी हैं और रिप्लेसमेंट डोनर्स भी हैं। ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके डोनेट करते हैं जिनका प्रोफेशन ही ब्लड डोनेशन है, और एक है जो वॉलेंटरी भी डोनेट करते हैं, और इंडिया में ये दोनों भारी संख्या में मौजूद हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई बार जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं वो अपनी बीमारियों को नहीं बताते और जो अनहेल्दी
इन्फेक्टेड ब्लड है वो डोनेट कर देते हैं, और इससे वो ब्लड जब किसी हेल्थी बॉडी में ट्रांसमिशन हो जाता है या फिर जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसको ट्रांसमिशन हो जाता है तो बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। कई बार देखा जाता है कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है वो भी सही ढंग से नहीं होता। आज जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्न करता है वो कई कानूनों में, कई पॉलिसीज़ में और कई अथॉरिटीज़ और कई गाइडलाइंस में फंसा हुआ है। फॉर एग्जांपल उदाहरण तया मैं अगर बोलूं तो ब्लड खून एक तरीके का ड्रग माना जाता है क्योंकि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आता है, ये मैंने आपको आर्टिकल में बता दिया। ब्लड बैंक को लाइसेंस कौन देता है? जैसे कोई भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर जो होता है, दवाइयाँ बनाने वाला जो होता है उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI लाइसेंस देता है, वैसे ब्लड बैंक्स को भी ये लाइसेंस देता है। फॉर दिस दे नीड टू मीट अ सीरीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्शन स्टोरेज प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एज स्पेसिफाइड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। इनके लिए इनको कलेक्शन स्टोरेज प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का जो होगा इसके पूरी रिक्वायरमेंट इनको पूरी करनी पड़ेगी इन चारों चीज़ों से रिलेटेड, और ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स 1945 को मानना पड़ेगा। ब्लड बैंक्स आर इंस्पेक्टेड बाय ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स के द्वारा इंस्पेक्ट किया जाता है ब्लड बैंक्स को, और आशा की जाती है ये ना केवल बल्कि प्रमिसेस और इक्विपमेंट को ही चेक करेंगे बट ऑल्सो वेरियस क्वालिटी एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स। ना केवल ये वहाँ की साफ सफाई देखेंगे, इक्विपमेंट देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि क्वालिटी क्या है, प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्या है, टेस्टिंग फैसिलिटी किस तरीके की है। देयर फाइंडिंग्स लीड टू द इशुएंस सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ ए लाइसेंस। अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियाँ निकल के आ रही है, कुछ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो वो सस्पेंड या कैंसिल भी करते हैं लाइसेंस को, और वो क्वालिटी देख के ही लाइसेंस देते हैं। तो लाइसेंस देने लेने छीनने का काम किसका हो गया? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके तहत ड्रग इंस्पेक्टर्स आते हैं। एक तरफ अलग चीज़ है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, अभी अपन ने देखा कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एस्टेब्लिश किया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करता है, और राज्यों में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल्स हैं जो राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करता है, NBTC नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, अपैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, और अपैक्स एक्सपर्ट बॉडी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्सपर्ट बॉडी है, इसको पूरी नॉलेज है किस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज चलनी चाहिए, ब्लड बैंक्स किस तरीके से काम चल करने चाहिए, और इनमें इस बॉडी में ब्लड बैंक के रिप्रेजेंटेशन भी है और यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो दूसरी बॉडी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर है, अथॉरिटी है, किसी की मर्जी उसकी मर्जी लाइसेंस दे दे, उसकी मर्जी लाइसेंस कैंसिल कर दे, जबकि ये एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में। ब्लड बैंक्स के मामले में, ब्लड बैंक के मामले में एक्सपर्ट कौन है? NBTC SBTC नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। तो ये दिक्कत आती है कि जिनके पास पावर होनी चाहिए थी उसके पास तो है नहीं, और जिसके पास कोई एक्सपर्ट एडवाइज ही नहीं है, जिसके कोई नॉलेज ही नहीं है ब्लड के ऊपर, उसके पास पूरी पावर है। DCGI के पास कोई ना एक्सपर्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और इसके जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं ना कोई इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है कि ब्लड बैंक के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग मिले। इससे एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन निकल के आती है कि जो एक्सपर्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन बॉडी है, जबकि NTBC नेशनल NBTC नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और STBC जो स्टेट वाली, वो ऐसी गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं जो नॉन बाइंडिंग है, सलाह देके, एडवाइस देके, गाइडलाइन देके छोड़ सकते हैं, उनकी बात मानो मत मानो तुम्हारे ऊपर। और जो जनरल फार्मेटिकल रेगुलेटर है, जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जो ड्रग कंट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया है, वो सारी दवाइयों का रेगुलेशन करता है, सारे ड्रग्स का करता है, और ड्रग्स में ब्लड को भी माना गया है। तो ब्लड के लिए कोई स्पेशलिटी उसके पास नहीं है कि वो ब्लड बैंक को लाइसेंस देने के लिए कुछ स्पेशलिटी हो यहाँ पे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यूज ग्राउंड पे आते हैं, और पूरा कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की समस्या निकलती है। क्या क्या मेजर्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं? इन ऑर्डर टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हु कैन कॉम्प्लीमेंट द DCGI, द रूल शुड बी अमेंडेड टू इन्वॉल्व द NBTC एंड STBC इन लाइसेंसिंग प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि
यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स डीसीजीआई के साथ जुड़े, तो ये देखना होगा। दूसरी बात, एनबीटीसी और एबीटीसी को अमेंड करना पड़ेगा ताकि इनको लाइसेंस प्रोसेस में जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, ये अगर सलाह ही देते फिरेंगे, एडवाइस ही देते फिरेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जो डीसीजीआई हैंडल कर सकता है, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो लाइसेंसिंग वाले जो रोल है ना, वो तो आप एनबीटीसी को दे दो, क्योंकि डीसीजीआई डायरेक्ट जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसको और भी फॉर्मेटिकल्स रेगुलेट करने पड़ते हैं, और भी जो मेडिकल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। तो ये लाइसेंसिंग वाला जो काम है ना, ये तो एनबीटीसी को दे देना चाहिए, ताकि रेगुलेटरी स्कीम जो है वो अप टू डेट रहे, और रेगुलेटरी स्कीम जो आपकी है वो मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस उसमें होते रहे। डिस्पाइट अ 2017 अमेंडमेंट टू द रूल्स, इन रूल्स में 2017 का अमेंडमेंट आया था जिसमें कहा था कि ब्लड बैंक आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लड का, लेकिन द ओवरऑल सिस्टम इज़ स्टिल नॉट सफिशिएंटली इंटीग्रेटेड। जो ओवरऑल सिस्टम है वो अभी भी इंटीग्रेटेड नहीं है, अभी भी जो कोऑर्डिनेशन की समस्या सामने आती है। एक कोलैबोरेटिव जो रेगुलेटर यहाँ पे अगर हो जाए तो बहुत जो है काफ़ी मदद इस सेक्टर को मिल जाएगी, अगर रेगुलेटर सारे ब्लड बैंक्स को कोलैबोरेशन करने में मदद कर दे, तो कोई ऐसा रेगुलेटर निकल के आ जाए तो कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और मैनेजमेंट रहेगी। तो मान लो किसी जगह ब्लड है किसी ब्लड बैंक में, किसी दूसरी जगह ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, जो ज़रूरत है मान लो किसी को, तो वो सप्लाई भी जो है आसानी से हो सके, इससे ब्लड सप्लाई में रीजनल डिस्पेरिटीज रिड्यूस हो सकती है, ब्लड की क्वालिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। दैट इट डज नॉट वेरी बिटवीन प्राइवेट कॉपरेट इंटरनेशनल हॉस्पिटल बेस्ड एनजीओज एंड गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स, मतलब प्राइवेट हो चाहे कॉपरेट हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे हॉस्पिटल वाले हो चाहे एनजीओ वाले हो चाहे गवर्नमेंट वाले हो, ब्लड बैंक में क्वालिटी वही रहे, सेम रहे, अच्छी रहे, स्टैंडर्ड वाली रहे, ठीक है, ये चीज़ जो है इंश्योर करनी पड़ेगी। नेशनल ब्लड पॉलिसी आई थी आपकी सरकार के द्वारा 2002 में, ताकि सेफ और क्वालिटी ब्लड की सप्लाई जो है बनी रहे, एडुकेट रहे, एसेसिबल रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि खून तो रहता है ब्लड बैंक में, खून तो अवेलेबल रहता है, ब्लड तो रहता है, लेकिन जो है समय पर मरीज को नहीं लाया जाता, सप्लाई नहीं हो पाती, या फिर ब्लड रहता है लेकिन क्वालिटी वाला नहीं रहता। इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को अपने रेगुलेटरी अप्रोच में एक बार देखनी पड़ेगी, क्या अपनी खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर रहेगा। ये आर्टिकल है ट्रेड डील विद चाइना टिल्टेड इन अमेरिकाज फेवर। देखो ये आर्टिकल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ट्रेड वार इतने समय से चल रहा है और चाइना को घुटनों पे टेक दिया यूएसए ने लाके, कि अब तू जो है यहाँ पे किसी तरीके से ट्रेड डील को ख़त्म कर, ट्रेड डील जो है ट्रेड वार ख़त्म कर, ट्रेड डील जो है साइन कर। यूएसए और चाइना की जो अभी तक ट्रेड वार चल रही थी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में ये बात बोली थी, समिट में, कि चाइना की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कई सालों से चलती आ रही हैं, ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में, लेकिन किसी ने भी सवाल उठा के नहीं पूछा कि चाइना तू ऐसा क्यों कर रहा है। और समय के समय दर समय ये व्यवस्था जो है बिगड़ती गई, चाइना इस तरीके से काम करता गया। आज हमने चाइना को अंगुली की नोक पर रख के सारे काम करवा लिए जो अब तक ये नहीं करना चाहता था, ऐसा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। अब धीरे धीरे डिटेल ये आ रही है कि क्लियर ये होता जा रहा है कि जो डील है निकल के जो आई है, देखो यूएस और चाइना के बीच में डील हो चुकी है, तो पहला फेज तब ये, इसमें चाइना ने एग्री किया है कि $200 बिलियन के एडिशनल ये गुड्स अमेरिका से ले लेगा, जिसमें 32 बिलियन तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे, 77 बिलियन मैन्युफैक्चर गुड्स होंगे, वो मार्केट डिमांड के हिसाब से देखेगा। तो कहने का मतलब चाइना भारी संख्या में यूएसए से इंपोर्ट करने वाला है, और इसने कुछ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल मेजर्स भी प्लेज किए हैं कि हाँ हम ये चीज़ें भी करेंगे, जैसे हम विदेशों से जो फॉरेन पेटेंट जो आपके बनते हैं, ट्रेड सीक्रेट जो बनते हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। फोर्स्ड ट्रांसफ़र ऑफ जो टेक्नोलॉजी होती है, देखो US में साइंटिस्ट रिसर्चर्स अगर बहुत मेहनत करके कोई पेटेंट, कोई रिसर्च करते हैं, फिर उसका पेटेंट करवा लेते हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी बनाते हैं, लेकिन उसका अगर कॉपी तरीका चाइना वाले रिसर्चर निकाल लेते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी को बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो उनकी USA वाले रिसर्चर की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसके लिए पेटेंट वगैरह जो है बनते हैं, और जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो फोर्स तरीके से ना हो,
और डिस्टोशंस ना पैदा किया जाए इंटरनेशनल ट्रेड में, मेड इन इंडिया 2025 जैसी स्कीम्स लाके। यूएसए ने चाइना को करेंसी मैन्युपुलेटर भी कहा था बीच में, कि चाइना करेंसी मैन्युपुलेट कर रहा है, डॉलर को मैन्युपुलेट करता है चाइना। तो चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि चाइना डॉलर की डिमांड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, डॉलर काफ़ी ज़्यादा जो है मैन्युपुलेशन का इस पर इल्ज़ाम लगा था। इस डील की सबसे ज़रूरी बात ये थी कि चाइना ये सारे मेजर लेगा, जितने भी वादे इसने किए, इम्पोर्ट भी करेगा, ध्यान भी रखेगा, खुद को कंट्रोल में भी रखेगा, पेटेंट चोरी नहीं करेगा, लेकिन यूएसए एक भी टैरिफ हटाने को तैयार नहीं है। चाइना से जो एक्सपोर्ट आ रहे हैं उन पे यूएस टैरिफ हटाएगा नहीं, जबकि चाइना यूएसए से इम्पोर्ट करने को तैयार है चीज़ें। ऐसा क्यों है कि चाइना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यूएसए एक गन की नोक पे चाइना से ये सब करवा रहा है? और एक चीज़ और कि ट्रेड डिस्प्यूट्स अब जो होंगे चाइना के और यूएसए के बीच में बायलैटरल मैकेनिज्म के थ्रू होंगे, बायलैटरल इवोल्यूशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एग्रीमेंट यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। पहले तो ये होता था कि ट्रेड डिस्प्यूट्स एक थर्ड पार्टी के द्वारा सॉल्यूशन होता था, जैसे WTO के द्वारा हो गया, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी हमने ले ली जो न्यूट्रल है ना। लेकिन अब एक मैकेनिज्म स्थापित अगर कर दिया, और इसमें एक कंडीशन और है कि अगर मान लो यहाँ पे बायलैटरल मैकेनिज्म फेल हो जाता है, मान लो चाइना अगर बातें नहीं मानता यूएसए की, तो अब उसी टाइम ये डील वापस बुला ली जाएगी और ट्रेड वार वापस चालू हो जाएगा। चाइना के लिए सबसे बड़ी हार ये भी है कि चाइना जो इसकी सबसे बड़ा जो 5G जियांट है हुए, और 200 जो कंपनी है चाइना की उन पे सेक्शन लगे हुए थे यूएसए के द्वारा, उस सेक्शंस को भी नहीं हटा सका। हुई पे इल्ज़ाम लगा था कि जो हुई जो कंपनी है ये 5G जियांट, ये जो है यूएसए में लोगों की और दुनिया भर में लोगों की प्राइवेसी का हनन करती है। यूएसए ने भी हाल ही में इंडिया को प्रेशराइज किया था, जो आपका 5G स्पेक्ट्रम जब आप उसकी नीलामी करोगे तो हुई को अलाउ मत करना, लेकिन इंडिया ने कर दिया। तो इंडिया ने तो अपना इंटरेस्ट देखा, लेकिन चाइना जो है हुई पे से सेंक्शन नहीं हटवा सका, एग्रीमेंट इसने जो है साइन कर लिया। अब ये चीज़ मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन लग रही है, चाइना ने इतना किया क्या, और इसका जो कारण है ये देंगे राइटर लास्ट में। और प्रोटोकॉल का अगर वॉल्यूशन होता है, देखो तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वापस कर ली जाएंगी और बायलैटरल मैकेनिज्म टूट जाएगा, ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा। ट्रंप ने अपने टैरिफ हटाने की कोशिश नहीं की, चाइना पे अभी भी टैरिफ लगे हुए होंगे, जबकि चाइना जो है सारे काम करने को रेडी है। ये काफ़ी अनबैलेंस्ड डील नज़र आ रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट जो है इसको साइन नहीं करेंगे। हालांकि इस डील को जो है साइन किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना के वाइस प्रीमियर के द्वारा, लेकिन अभी भी ये देखना बाकी है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट इस पे साइन करते हैं नहीं करते, और देखते हैं अगर क्या होता है। यूएसए ने तो साफ साफ कह दिया कि हमने डील कर ली, लेकिन चाइना अभी भी अपनी मीडिया को पूरी सच्ची बातें नहीं बता रहा है कि इस एग्रीमेंट की क्या कंडीशन है, एग्रीमेंट के टर्म्स क्या है। तो यूएसए तो खुल के छाती पीट के कह रहा है कि भैया ये देखो चाइना को घुटने में लिया है हम। तो जी जिनपिंग की जो अथॉरिटी मानी जाती है, इसमें देखा जाता है कि जो जिन जिनपिंग है वो चाइना को बिल्कुल ऐसे हारते हुए देखना ही नहीं चाहते। वो इकोनॉमिक और मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स में हमेशा घमंड तो नहीं कह सकते, गर्व करके चलते हैं, और हमेशा से जो है एक डील साइन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कभी भी ह्यूमिलेटिंग एग्रीमेंट साइन नहीं करते। वो हमेशा ये तैयार रहते हैं कि चाइना हमेशा जो है जीतता रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना बिल्कुल घुटनों पर टिक गया और यूएसए टैरिफ भी नहीं हटा रहा, उसके बावजूद भी ये सब करने को रेडी है? इसका जवाब है चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकनॉमी 1980 से 2000 तक इतनी तेज़ी से बढ़ी थी कि एक टाइम पे 1980 में चाइना और इंडिया बिल्कुल बराबर थे। आज 5 गुना ज़्यादा इकनॉमी है चाइना की भारत से, और आज पहले जैसा चाइना नहीं रहा। आज इसके डोमेस्टिक और एक्सटर्नल चैलेंज है, हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहा है, ताइवान में ऐसी सरकार आ गई जो ताइवान के अगेंस्ट खड़ी है। आपको पता है कोरोना वायरस चाइना की इकनॉमी की कमर तोड़ने को तैयार। चाइना की इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट्स होते एक्सपोर्ट जो होते थे, आप ताजुब करोगे 2010 में 30% की ग्रोथ से बढ़ रहे थे, 30%।
आज जो 2019 में केवल 0.5% किससे ग्रो हो रहे हैं, और उस टाइम और 2019 में चाइनीज़ कंपनियों के लिए बुरा समय रहा है, क्योंकि इन कंपनियाँ कुछ तो डिफ़ॉल्ट हो गई, कुछ को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ये चीज़ मैंने करीब 1.5 महीने पहले ही बोल दी थी अपनी वीडियोस में कि ट्रेड वार से यूएसए को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यूएसए का जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो चाइना को हिला सकता है अंदर तक। तो इस वजह से मैंने ये कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है चाइना को घुटनों पे टेक देंगे, और चाइना जो है आखिरकार ये ट्रेड वार के बाद डील करने को रेडी हो जाएगा। चाइना में प्राइवेट सेक्टर की हालत ख़राब है, क्योंकि वो न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इनकम रुकी हुई है, डोमेस्टिक डिमांड रुकी हुई है, एक्सपोर्ट अभी रुका हुआ है। चाइना आशा कर रहा है कि यूएसए के साथ ये टेंशन मिट जाए और सिचुएशन जो है डीस्केलेट हो जाए, थोड़ी सी शांत बनी रहे, क्योंकि अभी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने का समय है। इसलिए चाइना को ज़बरदस्ती इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया गया है, ताकि ट्रेड वार अगर चलता गया तो और इकोनॉमी डैमेज होएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़तरा पहुँचेगा। और जी जिनपिंग पे अभी सवाल भी उठ रहे हैं, क्यों भाई उन्होंने कर क्या रहे हैं वो। और चाइनीज स्टेट काउंसिल है जो बिल्कुल कैबिनेट के बिल्कुल बिलोंग कैबिनेट के जैसा होता है, उन्होंने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स को कि जितना हो सके जो जॉब लॉस होएगा उनको रोकने की कोशिश करो। इस साल उनको आशा है कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस डील से जो चाइनीज़ इकोनॉमी की वल्नरेबिलिटी है वो एक्सपोज हो चुकी है, कि चाइना क्लेम करता है कि हमारी GDP ग्रोथ 6% की है, उसके बावजूद भी चाइनीज़ इकोनॉमी किस तरीके से अंदर काम कर रही है साफ दिख रहा है। और चाइना के साथ इतना कुछ करना है, चाइना को कोरोना वायरस रोकना है, चाइना को BRI का काम करना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, इतने सारे टारगेट्स हैं। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि ये डील जो है टूट जाएगी। हालांकि बिगर जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और राइवली निकल के आ रही है यूएसए और चाइना के बीच में, ये बढ़ती रहेगी। ट्रेड वार के जो है यहाँ पे ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि एग्रीमेंट का भी फेज 1 ही हुआ है। कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और 550 लोगों की मौत हो चुकी है, और करीब 10,000-12,000 मुझे आइडिया नहीं इन्फेक्शन तो कितना है। इंडिया में भी 3 केस तो आ चुके हैं। कोरोना वायरस का ओरिजिन चाइना से, चाइना पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मतलब चाइनीज़ जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस कहाँ से निकल के आया, चाइना में। चाइना से ही क्यों निकल के आया, क्योंकि चाइना में वाइल्ड एनिमल्स का मार्केट ज़्यादा है, वहाँ पे मीट खाते हैं वाइल्ड एनिमल्स का, तो इन्फेक्शन जो है वहाँ से चाइना में हो गया, चाइना से पूरी दुनिया में फैल रहा है। वुहान में शुरू हुआ था, वुहान में दुनिया के 70 देश कनेक्टेड है, डायरेक्टली एयरप्लेन जाता है, तो वुहान प्रोविंस से पूरी दुनिया में फैल गया। और SARS वायरस भी 2003 में फैला था, हालांकि SARS वायरस में फैटलिटी रेट 10% थी, उस वायरस की वजह से 10% लोग मरते थे, कोरोना वायरस से केवल 2.5% लोग मरते, लेकिन कोरोना वायरस की ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब जब तक आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस हो गया, तब तक तो 10 जनों को और हो जाएगा। ग्लोबल क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आखिर चाइना के लोग ये एग्जोटिक वाइल्ड एनिमल्स का मीट खाते क्यों हैं, और इस तरीके से मार्केटिंग करते क्यों हैं, कि यहाँ पे लोग जो है मार्केट में जा रहे हैं उनको इन्फेक्शन हो रहा है, इस तरीके से जो है मार्केट यहाँ पे बनाए रखते हैं ये, कि कोरोना वायरस जिस तरीके से फैला है ना। और कोरोना वायरस की पहले तो खबर दबाने की कोशिश की गई चाइना के द्वारा, और इससे क्या है, खबर अब पता नहीं चला कि कोरोना वायरस आ गया, तो जो लोग वुहान में जिनको वायरस हो गया वो हॉलीडे पे निकल गए, अभी लूनर ईयर चल रहा है, तो दुनिया में फैलता गया। जब तक पता चला कोरोना वायरस आ गया, तब तक पता चला कि इन्फेक्टेड लोग तो पूरी दुनिया में पहुंच गए, और आज 550 लोग जो है डेथ टोल पहुंच गई है और देशों में देखा जाए तो। और चाइना की इकोनॉमी में पूरी तरीके से ये कमर तोड़ने के लिए तैयार है ये वायरस। एयरलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, इंटरटेनमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी पे खतरा मौजूद है। मैंने ये भी बताया था आपको एक बार आर्टिकल में कि जो दवाइयों वाली जो इंडस्ट्री है, जो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री है और टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि जो चाइना से हमारी जो दवाइयाँ बनती है ना भारत की, रॉ मटेरियल चाइना से 80% आता है उसका, तो चाइना से जो है अभी दिक्कत आएगी उनको कहीं ना कहीं उस मटेरियल को लेने में, इसकी कॉस्ट भी जो है हमारी दवाइयों की बढ़ जाने के चांसेस हैं। हालांकि हमारे पास 2-3 महीने का स्टॉक बोला गया है अधिकारियों ने, लेकिन देखते हैं। ये चाइना की जो एबिलिटी है किसी तरीके से ट्रेड डील को करने की और अपने टर्म्स को मीट करने की, ये
जो है एबिलिटी को इम्पेयर करने की कोशिश करती है, क्योंकि आप देखोगे कि ट्रेड डील में क्या है, ट्रेड डील में किसी ना किसी तरीके से चाइना को फोर्स करने की कोशिश की जा रही है कि यूएसए से आप इम्पोर्ट करो और ये सब करो। तो एक तो इसकी इकोनॉमी बर्बाद, डील इसने साइन कर भी ली, अगर मान लो कर तो लिया जी जिनपिंग, अब ये डील जो है टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है विनर नज़र आ रहे हैं, और अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है जर्मनी, यूके, फ्रांस और इंडिया और साउथ कोरिया के साथ मिलकर ट्रेड डील करने वाले हैं। ट्रम्प ने कहा कि अब यूरोपियन यूनियन की बारी है, नेक्स्ट टारगेट हमारा यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि अमेरिका जो है अब सब ट्रेड डील्स अमेरिका के फेवर में करने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है फेबर में इंडिया में भी आएंगे, तो देखना पड़ेगा कि हमको यूएसए के साथ किसी तरीके से टफ नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे, मार्केट एसेस पे, टैरिफ्स पे, डाटा लोकलाइजेशन पे, ई कॉमर्स पे बात करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। बात हो रही सेडिशन लॉ की, इंडियन एक्सप्रेस का ये एक्सप्लेन पेज है। आपको पता है किस्सा निकल के आया कि जो एक शर्जील इमाम नाम का व्यक्ति था, एक स्टूडेंट था, मुंबई स्टूडेंट, उसको सेडिशन की केसेस में बुक किया गया है कि उन्होंने जो है शर्जील इमाम मुंबई का स्टूडेंट नहीं है, शर्जील इमाम को पकड़ा गया था, लेकिन उसके सपोर्ट में कुछ मुंबई स्टूडेंट्स आए। शर्जील इमाम ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है उसको भारत से कट कर देना चाहिए, इसके शर्जील इमाम को उठा के ले गए, कन्विक्ट कर लिया गया सेडिशन के नाम पे, कि भाई कैसे कह रहा है ऐसे, नॉर्थ ईस्ट को कट कर लेंगे, क्यों यहाँ पे वॉयलेंस करवाना चाहता है। मुंबई में कुछ स्टूडेंट्स इसके सपोर्ट में आ गए, तो स्टूडेंट्स को भी उठा के ले गए पुलिस वाले कि भैया ये क्या है, सारे के सारे क्या करना चाहते हो तुम। तो सेशन कोर्ट जो मुंबई में था अभी, उन्होंने अब ये जो स्टूडेंट जो इसका सपोर्ट किया था शर्जील इमाम का, कुछ सारे 50 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं, इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई और एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मुंबई के सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अब एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, जब किसी को पता चलता है कि वो गिरफ्तार होने वाला होता है तो वो बेल पहले ही लगा देता है, जैसे बेल अपना लगती है ना एक, कि भाई गिरफ्तार हो गया, जेल में बंद है, बेल लगा दी, छूट मिल गई, तो एंटिसिपेटरी यानी पहले ही कि भाई मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ, तो पहले ही जो बेल है वो यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल लगाई गई थी लेकिन कैंसिल कर दिया गया। सेडिशन का केस आर्टिकल सेक्शन 124A में आता है इंडियन पेनल कोड में। शर्जील इमाम ने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, मुंबई के स्टूडेंट ने कहा कि हम शर्जील इमाम के सपने पूरे करेंगे, सबको ले गए उठा के, और लॉयर जो हैं उस स्टूडेंट के वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत कहा, क्योंकि इन्होंने शर्जील इमाम का सपोर्ट किया था, ऐसा थोड़ी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को जो है अलग कर देंगे, और सेडिशन का केस हुआ ही नहीं यहाँ पे, जबकि चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं कि जो हमारे देश का दुश्मन है शर्जील इमाम को यहाँ पे दुश्मन बताया जा रहा है, उसको ये आदमी सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी जो है फिर सेडिशन के केस में आएगा। तो अभी चल रहे हैं, अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या चल रहे हैं, ये देखो केसेस काफ़ी सीरियस है, क्योंकि अगर इस तरीके से बयान आएंगे कि नॉर्थ ईस्ट को हम देश से अलग कर देंगे तो ये केवल एनार्की फैलाने की कोशिश की जाएगी और इससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में पहुंच जाएगा, और ऐसे बयानों को सीरियसली लेना पड़ता है। सेक्शन 144A जो इंडियन पेनल कोड में है वो कहता है कि ये सेडिशन वाला है, ध्यान से सुनना, कि चाहे बोलो, चाहे लिखो, चाहे साइन से करो, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन से करो, चाहे आप कोई वीडियो बना रहे हो, चाहे आप कोई फोटो डाल रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे बोल रहे हो, अगर आपकी वजह से किसी तरीके से नफरत फैलती है या नफरत फैलाने की कोशिश होती है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको जिंदगी भर के लिए भी पनिश किया जा सकता है और फाइन भी की जा सकती है, इम्प्रिजमेंट भी किया जा सकता है 3 साल के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये क्या है, अंग्रेजों के टाइम का कानून है, तो अंग्रेजों के टाइम का आया था, तो इस वजह से इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई है कि यार ये सेडिशन वाला सेक्शन अभी तक चल रहा है, क्या जरूरत आज हमारे देश में इस चीज़ की, ये कई बार कहा जाता है, और इस चीज़ पे चैलेंज करते हुए कई केसेस आए हैं। 1962 में इस प्रोविजन को, वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था कि हाँ ये प्रोविजन सही है, लेकिन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जिसमें इसको अपहेल्ड किया गया, ये भी कहा गया था कि सिटीजन के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंतर्गत, वो सही है, इसके अकॉर्डिंग ये सेडिशन का लॉ बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्टेंस दे दी, सहमति जता दी, ठीक है सेडिशन का केस रहने दो, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जब तक
अब कोई आदमी, कोई सिटीजन अगर कुछ गवर्नमेंट के बारे में लिख रहा है, चाहे क्रिटिसिज्म करे चाहे खुद का कमेंट करे, जब तक लोग वॉयलेंस पे नहीं उतर आते हैं तब तक ये सिडिशन का केस नहीं बनेगा। या फिर अगर पब्लिक डिसऑर्डर का उसका इंटेंशन हो तब तक जो है सिडिशन का केस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है उसका लॉयर कह रहा है कि यहाँ पे ना कोई वॉयलेंस हुई है ना कोई पब्लिक डिसऑर्डर हुआ है। तो 1962 के जजमेंट के हिसाब से जाए केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के दौर अगर हम देखें तो सिडिशन का केस ज़बरदस्ती लगा इन पे। अब महाराष्ट्र में सर्कुलर भी बांटे गए कि जो सिडिशन वाला जो केस है ये थोड़ा सा, अब देखो पुलिस वालों को दी गए थे, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि पुलिस को हमने सर्कुलेशन दिया है कि ऐसे सिडिशन का केस हर चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए। और एक बार कार्टूनिस्ट की भी बात है कि एक बार कार्टूनिस्ट को पकड़ के ले गए थे कि उन्होंने कार्टून ऐसा बना दिया था। अब 2015 में हाईकोर्ट था, उन्होंने भी ये कहा था कि केदारनाथ जजमेंट जो है बिल्कुल सही है, और अगर इस तरीके से सेक्शन 144A का यूज करोगे तो ये तो गलत है क्योंकि ये तो आप पर्सनल लिबर्टी को हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात है। तो अब सर्कुलर भी इशू की मैंने कहा कि सरकार ने जो सर्कुलर इशू करने की बात की गई थी कि हम यहाँ पे पुलिस वालों को बताएंगे, सरकार कह रही है कि सर्कुलर इशू करके गाइडलाइन देंगे कि तुम जो है किस ग्राउंड पे सेक्शन 144A लगा सकते हो और पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हो। वो कारण अगर दिखे, मान लो ऐसी कुछ बात अगर ऐसी कह रहा है तभी वो करना, ऐसे मत करना। और अभी तक जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं ग्राउंड लेवल पे कि कोई सर्कुलेशन बांटा गया है। हाउ गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन। डायरेक्ट टैक्स की यहाँ पे बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट है उसने अभी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 लाने की कोशिश की गई, इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। कांग्रेस ने तो क्रिटिसाइज़ किया है कि पहली बात तो हिंदी वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि जो साउथ में नॉन हिंदी जो स्पीकर्स हैं, साउथ में क्या जो पूरे देश में नॉन हिंदी जो स्पीकर्स हैं उन पे हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी कहा कि इस बिल में ईमानदार और बेईमान लोगों को बराबर रखा जा रहा है। ऐसा क्या है इस बिल में जो ऐसी बातें की जा रही है। इससे पहले सबका विश्वास स्कीम आई थी जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो केसेस थे उनको सेटल करने की बात थी। अब आइए विवाद से विश्वास जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस सोल्व करने की बात की गई। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके GST, डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ गया। आज हमारे देश में 483,000 डायरेक्ट केसेस पड़े हुए हैं वेरियस ट्रिब्यूनल्स में, वेरियस अपेलेट फॉर्म्स में, जैसे कमिश्नर के पास पड़े हुए हैं, अपील वाले के पास है ना, हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास है। तो 483,000 जो केसेज आज डायरेक्ट केसेस के पड़े हुए हैं इनको सोल्व करना ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो विवाद से विश्वास स्कीम आएगी इसके अंदर क्या किया जाएगा कि 31 मार्च 2020 से पहले जितने भी लोग टैक्स में उलझे हुए हैं, टैक्स के केसेस में जितनी भी कंपनियां इन 483,000 केसेस में उलझी हुई हैं, 31 मार्च से पहले जो आपका डिस्प्यूट चल रहा है, मान लो मैंने अगर मेरे 10 लाख रुपए का टैक्स मेरे को देना है, उसमें पेनल्टी और ये सब जुड़ी हुई है, मेरा उस पर केस चल रहा है, तो 31 मार्च 2020 से पहले अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी हटा के मैं मान लो जैसे मेरे बनते 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख रुपए मैं दे दूं इंटरेस्ट और पेनल्टी हटा के, जितना पैसा पेना बच रहा है वो दे दूं डिस्प्यूटेड टैक्स का अमाउंट, तो यहाँ पे मेरे को सारी छूट मिल जाएगी और मेरे को जो है कुछ इंटरेस्ट और पेनल्टी मेरी माफ़ हो जाएगी। 31 मार्च 2020 के बाद अगर कोई करेगा ये तो उसको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और हालांकि ये जो स्कीम है ये 30 जून 2020 तक ही ओपन रहेगी, उसके बाद जो है बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो 31 मार्च, उसके बाद करोगे तो थोड़ा एडिशनल अमाउंट, फिर 30 जून तक फाइनली बंद हो जाएगी। ये हर लेवल के केसेस पे अप्लाई होता है। अब देखो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट हमारे पे इतने 483,000 जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं, उनके पास पता है पैसा कितना, इन केसेस में कितना पैसा उलझा हुआ है, 9 लाख करोड़ रुपए के केसेस उलझे हुए हैं कोर्ट्स में। तो गवर्नमेंट आशा कर रही है कि 9 लाख करोड़ रुपए में से कुछ तो आएगा, हैं कुछ तो पैसा मिलेगा। एक तो टैक्स पेयर उलझ रहे हैं कोर्ट में, तारीख पे तारीख आ रही है, हमको भी पैसा चाहिए अभी, सरकार को भी वो भी मिल जाएगा, अभी हमारे पास टैक्स रिवेन्यू कितना कम है तो वो भी मिल जाएगा।
क्योंकि सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन कम आ रहा है, राज्यों ने शिकायत की है कि 2 महीने हो गए जीएसटी कलेक्शन दे नहीं रही सरकार। तो गवर्नमेंट ने आशा की थी कि जो सबसे सबका विश्वास इसकी माई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली, उससे 29,500 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन देखा गया कि 1.90 लाख करोड़ रुपए आए थे, और नहीं 1.90 लाख एप्लीकेशन आई थी जिसमें 90,000 करोड़ आए थे। तो सक्सेस हुई थी, और एक कंपनी का भी नाम है यहाँ पे कि उसने किसी 580 करोड़ का उसका डिस्प्यूट चल रहा था जो पेनल्टी और इंटरेस्ट हटा के 439 करोड़ उसने दे दिए इस स्कीम में। तो अभी डायरेक्ट टैक्स वाली है, देखते हैं कितना पैसा आता है। 9 लाख करोड़ रुपए के केसेस उलझे हुए हैं, देखते हैं कितना पैसा आता है। जितना पैसा आएगा उस हिसाब से सरकार को मदद मिल जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसका इंग्लिश नाम है स्कीम का नो डिस्प्यूट बट ओनली ट्रस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हिंदी से कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। तो ये बात है, तो हिंदी का क्रिटिसिज्म अपने हिसाब से है और स्कीम कैसे काम करती हो अपने हिसाब से। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।